आपने ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपके ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो, और ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका LDL लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो डिक्रीज़ हो जाए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, वो बढ़ जाए। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। सेल्स बॉडी के, इसी तरह बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, इसीलिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन ख़राब हो जाए तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, और जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। सो पुअर सर्कुलेशन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, हार्ट को, लिवर को, किडनीज़ को, इवन लिम्स को भी, आपके हाथों और पाँव को भी अफेक्ट कर सकती है। जब पुअर सर्कुलेशन हो तो नमनेस फील होती है बॉडी में, हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं, फिटीग होती है, डिजीनेस फील होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, लेग्स में बहुत पेन रहता है, हेयर लॉस भी होता है, हेडेक्स कॉमनली रहते हैं, और हार्ट बीट भी इरेगुलर रहती है। पुअर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, लाइक अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड का कोई मसला है, अगर मोटापा है, या अगर आपको फूड एलर्जीज़ हैं, एनीमिया है, इन सब की वजह से भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा बीमारियों की ये मेन वजह भी पुअर सर्कुलेशन ही होती है। ब्लड सर्कुलेशन में तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। फर्स्ट ये है कि ब्लड आपका थिन होना चाहिए, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, और ये यूजली मतलब बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ओल्ड एज में जाके मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं रहती, तो ब्लड थिनिंग मेडिसिन देते हैं। थर्डली, डाइट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकती है। आपने ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपके ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो, और ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका LDL लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो डिक्रीज़ हो जाए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, वो बढ़ जाए। एक हेल्दी ब्लड फ्लो के लिए ऐसी डाइट लें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो और आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करे। तो मैं आपको ऐसे फूड्स बताऊँगी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, उनके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे। टर्मेरिक ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करेगा, और जो क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं उनको भी बनने नहीं देगा। आप टर्मेरिक मिल्क ले सकते हैं, और कुकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये आपके आर्टरीज़ को रिलैक्स करता है, और ये एक पावरफुल वेजोडायलेटर है, मतलब आपके ब्लड वेसल्स को खोलता है और आपके ब्लड फ्लो को इनक्रीज़ करता है। जिंजर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और इसका एक बहुत वार्मिंग अफेक्ट होता है बॉडी में जब आप लेते हैं, तो ये आपके जितने भी हार्ट डिजीज़ हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, उनको कम करने में हेल्प करेगा। गार्लिक भी बहुत अच्छा है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके अंदर एक तो विटामिन सी होता है, आपकी इन्फ्लेमेशन इससे कम होगी, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बहुत अच्छी होगी। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और इससे आपकी सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि इससे ये हेल्प करेगा ब्लड को स्मूथली मूव होने में। पोमीग्रेनेट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, और ये आपके ब्लड वेसल्स को खोलने में, डायलेट करने में हेल्प करेगा, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा, और ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो, और अल्टीमेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो सके। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आर्टरीज़ ब्लॉक हो सकती हैं, और आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। रिलैक्स रहें और स्ट्रेस ना लें, उसके लिए आप योगा कर सकते हैं या डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा और आप रिलैक्स रहें। अपनी बॉडी को ब्रश करें, जिसे कहते हैं ड्राई ब्रशिंग। ड्राई ब्रशिंग से एक तो ब्लड फ्लो प्रमोट होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होगी। इसको आप वीक में 3 times ही करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर लेंगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, और जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उनकी स्किन ख़राब हो सकती है, रेड हो सकती है। सो इसको एक्सेसिव मत करें। आप बॉडी मसाज कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन
डाइजेशन इम्प्रूव होगा। इसमें आप वार्म कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं और आपकी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगा और आपके ब्लड फ्लो को भी प्रमोट करेगा। या एज एन ऑल्टरनेटिव आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कोई सवाल है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं।